32 करोड़ बनाने वाले रघु की कहानी, 20,000 से शुरू किया क्रिएटिव विज्ञापन का बिजनेस। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो लंदन इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से उनकी कहानी एकदम पलट गई और हाथ में वीजा होते हुए भी नहीं जा सके। यहीं से शुरू हुआ 20,000 रुपए से 32 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक का सफर। हम बात कर रहे हैं शिमला के रघु खन्ना की, जिन्होंने कभी भी समस्या और रुकावटों से हिम्मत नहीं हारी। दरअसल रघु खन्ना 6वीं की परीक्षा में 2 विषय में फेल हो गए थे और दोबारा उसी क्लास में पढ़ने की नौबत आ गई थी। असफलता के डर से उबर कर अपने स्कूल में IIT क्रैक करने वाले वो पहले विद्यार्थी बने थे। उन्हें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला, पर अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में अपना ब्रांच शिफ्ट करवा लिया। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो इनकी काबिलियत के कारण कई IT कंपनियों से नौकरी करने का ऑफर मिला। तभी इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री के लिए भी ऑफर मिला। रघु खन्ना एक संपन्न परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें लंदन जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण वो लंदन नहीं जा सके। ये वो पल था जब रघु खन्ना काफी दुखी हुए। फिर उन्होंने भारत में रहकर ही कुछ करने का निश्चय किया। तभी इनके मन में एक विचार आया कि गाड़ियों के पीछे का हिस्सा एडवर्टीजमेंट के लिए सही जगह है, और आज तक इसके बारे में सोचा नहीं गया है। रघु खन्ना एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते थे जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू के प्रचार के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करें और इसके लिए वो उसका प्राइस दें। इस बिजनेस को करने के बारे में पूरी तरह से विचार करने के बाद रघु खन्ना ने बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू किया। पर रघु के पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उन्होंने साल 2009 में अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया। जब रघु ने अपने बिजनेस पर काम करना शुरू किया तो लोग उनके आइडिया का मजाक उड़ाते थे। तो उन लोगों को लगता था कि एडवर्टीजमेंट केवल प्रिंट रूप में रेडियो और टेलीविजन के द्वारा ही संभव है। अपने सपने को साकार करने के लिए रघु ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें 1500 कार मालिकों का ध्यान आकर्षित किया और पहले ही हफ्ते 8 एडवर्टीजमेंट मिल गए। इससे पहले मिली प्रतिक्रिया से उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने एक बेकरी मालिक को अपनी डिलीवरी गाड़ियों में स्टिकर्स चिपकाने को कहा। रघु खन्ना अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि वो दिन उनके संघर्ष के दिन थे। पैसा बचाने के लिए उन दिनों वो AC तक बंद कर देते थे। उनकी कंपनी पहली कंपनी थी जो एड ऑन व्हील्स के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही थी। उन्होंने बेंगलुरु स्थित डिजिटल प्रिंट्स नेटवर्क नामक कंपनी के साथ मिलकर काम किया। ये कंपनी विनाइल प्रिंटिंग के काम में एक्सपर्ट थी, जैसे गाड़ियों के पेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। कैंपेन की लंबाई, एडवर्टीजमेंट की साइज और किस शहर में लगाना है, इन सब के द्वारा ही उनकी कमाई 10,000 से लेकर 60,000 के बीच निश्चित हो पाती थी। वो लड़का जिसके बिजनेस आइडिया पर लोग हंसते थे, वो आज भारतीय बाजारों और विज्ञापन उद्योग के गेम चेंजर बन गए। उनका ये कॉन्सेप्ट जो ऑटो और कार से शुरू हुआ था, वो अब ट्रक, ट्रेन, कार, बस और यहाँ तक कि एयरप्लेन तक भी पहुँच चुका है। एक लड़का जो कभी ग्रेस नंबर के लिए टीचर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, वही आज भारतीय बाजारों और विज्ञापन उद्योग के गेम चेंजर बन गए हैं। आज रघु खन्ना का ब्रांड अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है। उनके ग्राहकों की लिस्ट में गूगल, पेप्सी, मोटरोला, फ्लिपकार्ट, सबवे, पिज्जा हट आदि शामिल हैं। उनका यह बिजनेस 6,500 एयरपोर्ट कैब्स, 2,00,000 ऑटो और 4,500 प्राइवेट गाड़ियों में होता है और उनका टर्नओवर 32 करोड़ रुपए के पार है। रघु खन्ना की कहानी हर उस शख्स के लिए प्रेरणादायक है जो लोग किसी न किसी वजह से अपनी मंजिल से एक कदम पीछे रह जाते हैं। असफलता के डर से खुद को उबार कर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं रघु। उनकी कहानी वाकई में प्रेरणा से भरी है। हमें ये समझना होगा कि बड़े से बड़े कारोबारी आइडियाज भी हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। बस जो उसे परखने में कामयाब हो जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।